वहीं कोटा में हरियाणा के कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड केस में बड़ा खुलासा हुआ है। यह छात्र करीब एक सप्ताह से सुसाइड करने का प्लान बना रहा था। छात्र ने सुसाइड करने के लिए YouTube पर कई चीजें भी सर्च की। उसके बाद उसने फांसी लगाने के लिए ऑनलाइन रस्सी मंगवाई, लेकिन उसकी इस प्लानिंग की किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। हालांकि स्टूडेंट्स के परिजनों पर उसकी हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस की जांच में सब कुछ साफ हो गया। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे उसके परिजनों को सौंप दिया है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। उनको दिखा रहे हैं इनके लिए कमरा वमरा पूरा भाई, इनकी सख्त तो मिट्टी देंगे कि भाई ये बता रहे हैं क्या हर बच्चे के साथ कुछ हो सकता, फांसी नहीं ला सकता। लेकिन फांसी से बच्चा मरा है, मैंने खुद फांसी से बच्चे को उतारा है, अंदर की कुंडी टूटी हुई है। वो तो यही समझ में नहीं आ रहा, वो रास्ता भी नया था। और आजकल का बच्चे का यूट्यूब पर वगैरह देख लेते हैं, जिसको फांसी लगाने तो इस प्रकार के आते हैं यूट्यूब पर, तो उस पर नया रास्ता खरीदने का। तो सच के मोबाइल तो भी अपन हमारे कब्जे में कई साल के पास है, देखेंगे इसको भी खोल कर। ऐसे ही होता है, ये आते हैं यूट्यूब पे, आते हैं फंदा रस्ते बंदे बनाने का, इस प्रकार से आते हैं। काफ़ी मैंने भी देखे यूट्यूब पर।